हाउ टू अटेम्प्ट का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि लॉजिकल के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। वो हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कह रहा है व्हाइल अटेम्प्टिंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन यू शुड रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट बिफोर रीडिंग द आर्गुमेंट। पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लें लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ने से पहले। इसका मकसद क्या है कि आपको पता लग जाए कि उसने जो आपसे क्वेश्चन किया वो किस टाइप का। क्वेश्चन पढ़ लें तो पहले क्वेश्चन पढ़ लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने ढूंढना क्या है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी ऑप्शन नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पढ़ लेंगे तो उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ देखना है क्वेश्चन कौन सा है, जो 6 या 8 टाइप है उनमें से कौन सा है। अजम्पशन का क्वेश्चन है, इन्फेरेंस का क्वेश्चन है, कंक्लूजन का क्वेश्चन है, फ्लॉ का क्वेश्चन है, वीकन का क्वेश्चन है, स्ट्रेंथन का क्वेश्चन है, कौन सा है। देन यू शुड एनालाइज द आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन द पैसेज। उसके बाद पैसेज में जो आर्गुमेंट है उसका एनालिसिस करें, उसका तजजिया करें, उसको गौर से देखें। एंड यू मस्ट नो व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द आर्गुमेंट यू आर टू कंसंट्रेट ऑन। सवाल पढ़ने का फायदा क्या होगा कि आपको पता होगा कि आर्गुमेंट के किस पहलू पे आपने फोकस करना है। बाय दिस यू विल नॉट बी अननेसेसरीली वेस्टिंग योर टाइम। तो आप अपना वक्त गैर जरूरी तौर पे जाया नहीं करेंगे। अगर आप क्वेश्चन पढ़े बगैर आर्गुमेंट पढ़ते हैं तो जरा आप उसके हर पहलू का जायजा लेंगे, तो एग्जामिनेशन में आपके पास वक्त की कमी है। तो इसलिए क्या होगा, वक्त बचाने का बेहतर तरीका यह है कि पहले देख लें कौन से एंगल पे हमने फोकस करना। दूसरा पॉइंट, यू मस्ट बी एबल टू स्पॉट द क्वेश्चन टाइप बाई रीडिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप क्वेश्चन की जो टाइप है उसको समझ सकें। इफ यू डू दिस यू विल बी बेटर एबल टू अप्रोच द आर्गुमेंट इन हैंड। आप मौजूदा क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या होंगे, आसानी मुहैया करेंगे, आसानी महसूस करेंगे। यानी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनसे अगर आप फेमिलियर होंगे तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये फलां कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो उस कैटेगरी की आपने जो कि प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपको आसानी रहेगी उसको अंडरस्टैंड करने। अब कैटेगरीज की बात, तो अब कैटेगरीज डिटेल से पढ़ी जाएंगी। पहली आ गई अजम्पशन, एज्यूम करने से किसी चीज को फर्ज कर लेना, मफरूजा। वो चीज जो किसी के जहन के अंदर है उसे क्या कहते हैं, मफरूजा या अजम्पशन। वो हमें कह रहा है बुक में कि क्वेश्चंस दैट टेस्ट योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रीमाइजेस ऑन व्हिच एन आर्गुमेंट इज बेस्ड। वो क्वेश्चन जो आपकी इस एबिलिटी को चेक करता है कि आप प्रीमाइज को आइडेंटिफाई कर सकें। बहस के अंदर उस चीज को प्रीमाइज कहते हैं जो पहले से आप हकीकत एक मान लेते हैं कि ऐसा है, जिस फैक्ट को आप पहले से प्रिज्यूम कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीमाइज। आप कह सकते हैं कि वो दलील जिसकी बुनियाद पे आप बहस कर रहे हैं वो दलील क्या कहलाती है, प्रीमाइज कहलाती है। तो प्रीमाइज जो मिसिंग हो, कुछ दलाइल वो दिए हो, एक आध मिसिंग हो, उसको वो पूछेगा कि वो कौन सी अजम्पशन है जो मिसिंग है। अल्फाज क्या बोलेगा ये हमें याद रखने हैं, इन पे हमें फोकस करना है कि अगर ये अल्फाज लिखे हों तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये समझ जाएंगे कि ये अजम्पशन का क्वेश्चन। तो पहला अंदाज, द कंक्लूजन अबव डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। ऊपर का जो नतीजा है वो इनमें से किस अजम्पशन पे डिपेंड करता है, यानी इनमें से कौन सी बात है जो ऑथर के माइंड में थी कंक्लूजन निकालते हुए। वो अगर ना होती तो उसके बगैर वो कंक्लूजन नहीं निकल सकता था, वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा अंदाज अल्फाज का, द ऑथर ऑफ द पैसेज अबव मेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। इस पैसेज का जो ऑथर है, जो इसको लिखने वाला है, वो इनमें से कौन सी अजम्पशंस बना रहा है, कौन सी अजम्पशंस लेके अपने जहन में ये काम कर रहा है। तीसरा अंदाज पूछने का, इन पैसेज अबव The author assumes which of the following statement to be true? ऊपर वाले पैसेज को देखते हुए आप बताएं कि author ने नीचे वाली कौन सी बात को दुरुस्त assume किया हुआ है, दुरुस्त समझा हुआ है। तो ये अंदाज assumption का, कि कौन सी चीज है जो उसके माइंड में है कि ये दुरुस्त है, उस वजह से वो ऐसा कर रहा है।